तो दोस्तों भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने एक और लकीर खींच दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार इसी के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों दो तीन दिन पहले भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का एक बहुत ही ब्लास्ट बॉलीवुड गाना आप सभी के बीच आया था, जिस गाने का नाम है चुम्मा। और पवन सिंह का यह गाना रिलीज होते ही पूरी तरह से बवाल और धमाल मचाना शुरू कर देता है, क्योंकि पवन सिंह के इस गाने पे बहुत तेजी से लाइक और व्यूज और कमेंट्स मिलता है। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ पवन सिंह के इस गाने पे यानी चुम्मा गाने पे 40 मिलियन के आसपास में व्यूज मिल गया होगा। लेकिन चौंकाने वाली खबर है कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का गाना चुम्मा ये गाना एक नंबर पे इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग में आ गया है। जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह का गाना चुम्मा ये गाना ट्रेंडिंग नंबर एक पे आ गया है इंस्टाग्राम पे, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे एक नंबर पे ट्रेंडिंग में आ जाना बहुत ही बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं पवन सिंह का ये गाना लोगों को पसंद आ रहा है, इसी वजह से इंस्टाग्राम पे इस गाने पे बहुत तेजी से रील्स बन रहा है। और जिस गाने का पंच लाइन अंतरा मुखड़ा ये सब अच्छा रहता है, उसी गाने पे इंस्टाग्राम पे तेजी से रील्स बनता है। हाँ तो दोस्तों, अगर इसी तरह से पवन सिंह के इस गाने पे इंस्टाग्राम पे रील्स बनता रहेगा तो पवन सिंह का गाना चुम्मा तेजी से वायरल होने लगेगा। और आई नहीं गाना की तरह ये भी गाना 200-300 मिलियन व्यूज क्रॉस कर जाएगा यूट्यूब पे। और अभी विक्की विद्या फिल्म रिलीज होना बाकी है, 11 तारीख को रिलीज होगी। और जैसे ही फिल्म रिलीज होगी पवन सिंह का गाना और ज्यादा पिकअप पकड़ लेगा। हाँ तो दोस्तों, अभी का बड़ी खबर ये है कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का गाना चुम्मा ये गाना इंस्टाग्राम पे एक नंबर पे ट्रेंड कर रहा है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।